क्यों ना हम आज बैटरी बैटरी के बारे में जानें, बैटरी का प्रकार क्या होता है, बैटरी का एम्पियर का क्या होता है, बैटरी का मेंटेनेंस किस प्रकार किया जाता है, दैनिक जीवन में या आपके पास हैंड वॉच हो या आपके पास क्लॉक हो या मोबाइल हो या किसी तरह का खिलौना हो, कार हो, बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, सोलर लाइट हो, और भी बहुत तरह के एग्जांपल जिसमें बैटरी का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। ज़रूरत है कि आप बैटरी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आपका पर्पज क्या है, आप इन्वर्टर चलाना चाहते हैं, आप बाइक चलाना चाहते हैं, आप कार चलाना चाहते हैं। कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह के बैटरी का रिक्वायरमेंट दिया है। कैपेसिटी के हिसाब से, एम्पियर के हिसाब से बैटरी में चेंजिंग होते रहता है। सपोज आपके पास रेडियो है, रेडियो का जो बैटरी का पावर हो, जो कैपेसिटी हो, उसका रिक्वायरमेंट कुछ और होगा। इसी तरह आपका मोबाइल हो, मोबाइल का पावर हो, उसकी बैटरी हो, उसका रिक्वायरमेंट और हो। इसी तरह आपके पास बाइक हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, जिस तरह की आपके पास साधन हो, उसके हिसाब से बैटरी का रिक्वायरमेंट अलग होगा। चलिए आज हम कार के बैटरी के बारे में बात करते हैं। कार की बैटरी अधिकतर 12 वोल्ट की होती है, जहां बड़े गाड़ी ट्रक और बस में 24 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। जब दो 12 वोल्ट की बैटरी को अटैच करके उसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के माध्यम से अटैच करके उसको 24 वोल्ट कर दिया जाता है। इसी तरह बड़े गाड़ियों में सीरीज बैटरी का सिस्टम रहता है, जिसमें दो बैटरी अटैच करके उसको सीरीज कनेक्शन करके उसको हाई पावर दिया जाता है, जो कि इंजन को स्टार्ट करने में हेल्पफुल होता है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि बैटरी को मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। अगर लंबे समय तक आप बैटरी से फैमिलियर नहीं हैं, बैटरी को खोल कर चेक नहीं करते हैं, तो उसमें अधिकतर बैटरी के टर्मिनल में, बैटरी के पोल में कार्बन जम जाता है, जिसे हिंदी में तूतिया बोलते हैं। अब इस कार्बन को साफ करने का सबसे आसान तरीका है कि पानी को उबाइल कर ले, अच्छे से उबाइल कर ले, और उसमें क्या करें, वो बैटरी का टर्मिनल को डुबो दे, बैटरी को टर्मिनल को डुबो दे, वो ऑटोमेटिक टोटल उसमें कई जितना तूतिया है, जितना कार्बन है, सारा निकल जाए। लेकिन सबसे पहले आपको अपना सावधानी भी रखना है। आप सबसे पहले हैंड ग्लव्स इस्तेमाल करें, और सबसे पहले आँख के लिए ग्लास यानी चश्मा का इस्तेमाल करें। यह सेफ्टी पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बैटरी मैनुअल में भी पढ़ें, बैटरी मैनुअल, बैटरी यूज़र मैनुअल, हर जगह आपको सबसे पहले एहतियात के लिए आपको सेफ्टी गूगल्स और हैंड प्रोटेक्शन पहनने को बताया जाता है। इसी तरह बैटरी बच्चों को बैटरी से दूर रखने के लिए कहा जाता है। अगर छोटा बैटरी सिक्का टाइप की बैटरी हो तो वो बहुत छोटा बच्चा